वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 7 मई और हम कवर करेंगे 7 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो की यदि PDF चाहते हो तो आपको इंडियन स्टडी ज्वाइन करना होगा, जो कि टेलीग्राम चैनल है हमारे चैनल का। साथ ही साथ इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से भी आपको PDF को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का तुरंत पता चल पाए। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि किम जोंग उन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और सम्मानित किसने किया है? एक होता है सम्मान जिसको मिला है और किया किसने है, तो व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूसी प्रेसिडेंट ने किसको, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को क्या किया है, सम्मानित किया है। तो दोनों ही बात आपको याद रखना है। अब दोनों में से क्या करिए, आप एक बात याद रख लीजिए तो दूसरी बात ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्यों किया गया है इनको सम्मानित? तो उत्तर कोरियाई क्षेत्र में जो सोवियत सैनिक मारे गए थे उनकी स्मृति को संरक्षित रखने के लिए ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, और कब किया गया है? तो जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ पर इनको ये सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन से बन सकते थे। किम जोंग उन, जिनको लोग मामूली तौर पर तानाशाह के नाम से जानते हैं, तो ये रहे किम जोंग उन, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। अब यदि बात की जाए उत्तर कोरिया की, तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग, एकात्मक एक पार्टी गणराज्य इसकी सरकार है, और मुद्रा क्या है, कोरियाई मुद्रा होगी यहाँ पर, लोगों की जीत नहीं होगा। ठीक है, कोरियाई मुद्रा होगी यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय सेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नौसेना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना ने रिसेंटली ऑपरेशन समुद्र सेतु, या फिर इसे बोल सकते हैं सी ब्रिज, ठीक है, ऐसा भी पूछा सकता है, ऑपरेशन सी ब्रिज किसने स्टार्ट किया है? तो भारतीय नौसेना ने स्टार्ट किया है। अब है क्या ये ऑपरेशन समुद्र सेतु और क्यों किया जा रहा है? तो जो हमारे भारतीय नागरिक हैं अलग अलग देशों में, विदेशों में फंसे हुए हैं, तो उनको लाने के लिए ये एक क्या किया जा रहा है, हमारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट तो सभी बंद हैं, तो इसी कारण इनको नाव और जहाज के जरिए लाने की कवायद चल रही है, जिसमें रिसेंटली मालदीव में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो मालदीव से लाने की कवायद तेज चल रही है, जो कि हमारी भारतीय नौसेना की ओर से चल रही है। अब यदि बात की जाए नौसेना की, इसकी स्थापना हुई थी 1612 में, एडमिरल करमबीर सिंह इसके अध्यक्ष हैं, सॉरी प्रमुख हैं, और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में CMIE के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 27.1% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में जो बेरोजगारी है वो 27.1% पहुंच गई है, और रिपोर्ट हमें कहाँ से मिली है, CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी, इनके अकॉर्डिंग ये हमको पता चलता है कि भारत में इतनी बेरोजगारी हो गई है। और दूसरी रिपोर्टों ने ये भी दी है कि अभी 121.5 मिलियन लोग, फिर से सुन लीजिए, 121.5 मिलियन लोगों के पास काम नहीं है, जिसमें से COVID-19 के कारण लगभग 91.3 मिलियन जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो घर पर बैठ गए हैं। तो इसी कारण 27.1% क्या हो गई, हमारी बेरोजगारी दर पहुंच गई है 5 मई तक की मैं ये बात कर रहा हूँ, जबकि अप्रैल में इन्हीं ने, यानी कि CMIE ने जो दर लगाई थी 5 अप्रैल को, तो वो बताई थी 23.4%, यानी कि आप वन मंथ में देख सकते हो 27.1% पर बेरोजगारी की दर आ चुकी है। ठीक है, अभी हमारी GDP भी गिनना है तो उस पर भी हमारे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। CMIE की बात की जाए तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, स्थापना 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाल ही में किसने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, यानी कि DGCA का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत से लोग DCGA पर लगा के आएंगे क्योंकि उन्हें पता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो ऐसा नहीं, ये DGCA है यानी कि ये अलग है। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक विमानन महानिदेशालय। तो इन्होंने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल है क्या और क्या काम होगा इस पर और गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है? तो गरुड़ का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन, यानी कि राज्य सरकार को यदि ड्रोन में कुछ छूट चाहिए है, ड्रोन संचालित करने के लिए कोई छूट चाहिए केंद्र सरकार से, तो वो इस पोर्टल पर जाकर मदद ले सकते हैं। तो ये है गरुड़ पोर्टल जो कि DGCA द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अब यदि बात की जाए DGCA की, तो मैंने फुल फॉर्म अभी अभी आपको बताया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक कौन है इसके? अरुण कुमार, जो कि एक IAS है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसने वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सौरभ लोधा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं और इन्हीं को 2020 का यंग कैरियर अवार्ड दिया गया है। किस फील्ड में? तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अच्छा, अवार्ड तो दिया गया, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हमारे DST के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये दिया जाता है। अब क्यों दिया गया है? तो इन्होंने ट्रांजिस्टर टेक्निक जो प्रौद्योगिकी था उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ट्रांजिस्टर, तो जो हमारे इंजीनियरिंग कर रहे होंगे भाई लोग, उनको पता होगा ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो उसी का नेक्स्ट लेवल का तैयार करने में इन्होंने क्या किया है, ये मेडल हासिल किया है। अब देखिए रिसेंटली कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि फैट कप या हार्ट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो सानिया मिर्जा को चुना गया है। साथ ही साथ जो हमारा निक्केई एशिया पुरस्कार है, तो यदि देखा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो थलप्पिल प्रदीप को चुना गया जो कि IIT हैदराबाद के प्रोफेसर थे। और यदि संस्कृति और समुदाय की बात की जाए तो राम प्रसाद कदेल को चुना गया है। ठीक है, और यदि बात की जाए तो रिसेंटली कल का ही क्वेश्चन है पुलित्जर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो जरूर याद आपको याद रखना है, तीन लोगों को दिया गया है, दार यासिन, मुख्तार खान, चटनी आनंद। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि न्यूज़ में भी ये चल रहे हैं, हेडलाइन में आप देख सकते हो, न्यूज़ में भी इन्हीं का बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये हैं हमारे प्रोफेसर सौरभ लोधा, ठीक है, जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, चलिए IIT बॉम्बे के बारे में जान लेते हैं। IIT बॉम्बे, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ज्ञान परम धीम इसका मोटो है और चेयरमैन इसके भी इस समय पे दिलीप सहन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप को अगले वर्ष के लिए स्थापित कर दिया गया है, वे किस देश में आयोजित होना था? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप यानी कि जो कि 2020 में होना था, परंतु इसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और क्यों कर दिया गया है? क्योंकि आप जानते हो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो उसके खातिर क्या कर दिया गया है, इसको कैंसिल कर दिया गया है एक साल के लिए। अब ये 21 नवंबर नहीं, तो ये होंगे हमारे 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच, और कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे हमारे स्पेन में। अच्छा, ये जो है हमारे कौन करवाता है, तो ये BWF करवाता है, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कराता है। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की यदि बात की जाए, तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है, अध्यक्ष हैं इसके पॉल एरिक होयर लॉर्सन, इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अब देखिए रिसेंटली कुछ गेम क्या हुए, पोस्टपोन हुए हैं, जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था जो कि पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, साथ ही साथ में हमारा क्या IPL होना था
जो कि पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होना था, विंबलडन यानी कि जो टेनिस का होता है विंबलडन, ये दूसरी बार कैंसिल हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, और यदि बात की जाए तो और एक और चीज़ हमारी कैंसिल हुई है, जैसे कि बैडमिंटन की बात कर लो, बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि स्पेन में होती है, जो मैंने अभी आपको बताया है। हाँ, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 जो कि स्पेन में होने थे, वो आप कब कहाँ पर होंगे, 2023 में होंगे। ठीक है, तो ये सारे गेम्स आपको याद रखना जो कि रिसेंटली क्या हुए, कैंसिल हुए हैं। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड में एक सेट कर लीजिए। ठीक है, अब यदि बात की जाए स्पेन की, तो राजधानी इसकी मद्रिद है, मारियानो राहुल इसके प्रधानमंत्री हैं, राजा हुआन कार्लोस है, मुद्रा इसकी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को वर्ल्ड बैंक की IBRD शाखा प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक माइकल पिंटो, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम पूरी डिटेल में बात करते हैं, तीन क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तीन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भारतीय अमेरिकी मूल के क्या हैं, वकील हैं, और इनको वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा यानी कि लोन की जो ब्रांच है उसमें IBRD, अब IBRD का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में बात की गई है, वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक। अब वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक क्या होता है, यानी कि जब निदेशक नहीं होगा तब ये वहाँ की कमान संभालेंगे। तो IBRD शाखा IBRD में इनको कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। अब यदि बात की जाए किसकी, अशोक माइकल पिंटो की, तो ये रहे अशोक माइकल पिंटो। और यदि अब बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्थापना हुई थी इसकी जुलाई 1945 में, वॉशिंगटन DC में मुख्यालय है, डेविड मलपेस इसके राष्ट्रपति हैं, अंशुला कांत इसकी वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किए है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चंडीगढ़ ने क्या किया है, हमारा CHD कोविड ऐप लॉन्च की है। अब ये है क्या, तो देखिए चंडीगढ़ प्रशासन ने जो COVID-19 है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये CHD कोविड ऐप लॉन्च की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको करना है। अब देखिए, ये हमारी तरफ से एक मिशन चलाया जा रहा है जो कि किसका है, 100 करोड़ वृक्ष लगाने का है। काफ़ी वृक्ष लग भी चुके हैं, लेकिन जिसने योगदान नहीं दिया है तो वो जल्दी से योगदान दीजिए इस वृक्ष लाने का, क्योंकि सांस से हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, और पेड़ लगाना काफ़ी ज़रूरी बन गया है हम सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किसने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला हैं, इन्होंने क्या करा है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है। देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, राज शुक्ला टू हेड ARTRAC। ARTRAC का मतलब क्या है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि मनोज पांडे ने किसकी संभाली है, अंडमान एंड निकोबार कमांड की ये संभाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च की है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एग्जिट ऐप क्या की है, लॉन्च की है। और यदि बात की जाए इस एग्जिट ऐप में, तो ये नाम से पता चल रहा होगा, जिस जो भी फंसे हुए हैं पश्चिम बंगाल में उन्हें अपने राज्य जाना है, तो इस एग्जिट ऐप के जरिए वो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से उनको परमिशन दे दी जाएगी और वो अपने स्टेट जा सकते हैं। अब देखिए बात आई है ऐप की, तो आप कुछ ऐप बिल्कुल याद रखिए जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो कोरोना कवच, कोरोना कवच ऐप किसने चलाया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था। ठीक है, अब यदि बात की जाए हमारा आरोग्य सेतु ऐप, तो ये भी गवर्नमेंट इंडिया ने चलाया था। ठीक है,
क्वारंटाइन ऐप ये किसने चलाया था? आईआईटी बॉम्बे ने चलाया था। करुणा ऐप तो ये सिविल सर्विस एसोसिएशन ने चलाया था। आपको पता होगा इसमें सभी सिविल सर्विस के एसोसिएशन के मिल के चला रहे थे। कोरोना केयर तो ये फोनपे ने चलाया था, ठीक है। कोविड केयर ऐप तो ये अरुणाचल प्रदेश ने चलाया था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कुछ ऐप, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्य न्यायाधीश कौन है? टोटल बी राधाकृष्ण। राज्यसभा की सीट 16, लोकसभा की सीट 40। चलते हैं हमारे कल के प्रश्न की ओर। किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है, जिसको हम लोग यूवी ब्लास्ट टावर ही बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और बता दीजिए कमेंट बॉक्स में देकर कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना आप डिटेल में दे सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंटरनेट सिटी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।